हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आज एक्सरसाइज सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ ये नंबर जो दिए गए हैं, आज इसमें क्वेश्चन जो है ये क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि ये जो नंबर है इनके हमें क्यूब रूट फाइंड करनी है। तो क्यूब रूट जब हम फाइंड करते हैं तो हम इनके फैक्टर मेथड से जो है फाइंड करेंगे, यानी कि जितने भी नंबर यहाँ दिए गए हैं उनके फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करके तीन तीन का पेयर बना लेंगे और उन पेयर में से एक डिजिट को बाहर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए सारे पार्ट इसी टाइप से करने हैं जैसे हम क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। तो क्यूब रूट फाइंड करना है हमें 9261, ये ए पार्ट में है 9261, और इस नंबर के ऊपर आप साइन लगा दोगे इस टाइप से जैसे स्क्वायर रूट का होता है, ऐसे क्यूब रूट का साइन होता है। यहाँ पर छोटा सा लिख दोगे थ्री, छोटा सा थ्री लिख दोगे, ठीक है। ये साइन हो गया क्यूब रूट का, ये हर संख्या के ऊपर लगाना है। जिस संख्या का भी, इस नंबर का भी हमें क्यूब रूट फाइंड करना है उस पर ये साइन आप जो है यहाँ पुट कर दोगे। नाउ क्यूब रूट ऑफ दिस, और इसके साइड में क्या कर लोगे आप, फैक्टर 9261, तो ये थ्री से डिवाइड होगा, थ्री थ्री जै 9, 300, 38 जै 24 और 37 जा 21, ये थ्री से डिवाइड होगा, ये 3 1 3 0, 3 2 6 और 3 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 0। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड तो होगा क्योंकि यहाँ ना 5 है ना 0, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28 और 7 9, और 7 4 9 7 डिवाइड होगा 7 टाइम और 7 7। तो यहाँ पर 9261 के फैक्टर आए हैं, 3 टाइम है और 7 भी 3 टाइम है। तो इसके यहाँ पे फैक्टर लिखने हैं आपको, 3 यहाँ समझिएगा, 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे तीन तीन का ग्रुप बना लेंगे और इस ग्रुप में से एक तीन को बाहर लिखेंगे, तो 3 × 7, इसमें से भी एक तीन और इसमें से एक 7 आ रहा है, ये क्यूब रूट हट जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से 3 × 7, 3 × 7 21 इसका आंसर। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और करते हैं, डी पार्ट, क्यूब रूट फाइंड करना है, ये नंबर है इसमें 1,10,592 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है, छोटा थ्री लिख दो, इक्वल क्यूब रूट ऑफ दिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे साइड में, इसके क्या करोगे आप, फैक्टर कर लेंगे 1,10,592, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18 और 2 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 7 14 और 2 6 12, 2 4 8 और 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 2 4 और 2 4 8, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यही हो जाएगा 2 6 12 और 2 9 18, 2 1 2 और 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6 और 2 4 8 बचे यहाँ पे 1, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4 और 2 8 16, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16 और 2 6 12 और 2 4 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 और 2 1 2
और यहाँ बचेंगे वन, टू सिक्स या ट्वेल्व, फिर टू से डिवाइड करेंगे, टू वन या टू, टू जीरो जीरो, और टू एट या सिक्सटीन, फिर टू से डिवाइड हो गई, टू फाइव या टेन, और टू फोर या एट, फिर टू से टू टू या फोर, और टू सेवन या फिफ्टीन, अभी थ्री से डिवाइड होगा, थ्री नाइन या सेवनटीन, नाइन थ्री से डिवाइड होगा थ्री टाइम, और थ्री थ्री डिवाइड होगा, इसके फैक्टर आ गए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यानी कि बारह बारह, दो दो के टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, और थ्री टाइम है यहाँ पे तीन तीन के, इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, पेयर बनाएंगे तीन दिन की, ग्रुप बना लेंगे। अब इस ग्रुप में से एक बाहर लिखेंगे टू, इस ग्रुप में से भी एक बाहर लिखेंगे टू इंटू टू और इंटू टू और इंटू, इस ग्रुप में से तीन, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, और सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, ये इसका मतलब। सिमिलरली आपको फर्स्ट के सारे पार्ट करना है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में देखिए यहाँ पे भी ये, इसमें भी क्यू रूट फाइंड करने हैं, ये रूट का फॉलोइंग, यहाँ पे ये क्यूब रूट दिया है 55,296 इनटू मल्टीप्लाई है क्यूब रूट ऑफ 54, यहाँ पर 54 के फैक्टर कर लेंगे और इसके भी फैक्टर कर लेंगे, जैसे अभी करा ये क्यूब रूट का साइन है, जैसे अभी मैंने लगाया था, तो इसके हमें क्या करना है, जैसे ऊपर क्वेश्चन किया है ऐसे हम इसके फैक्टर करके इसके फैक्टर लिखेंगे और ग्रुप बनाएंगे। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 55,296 इंटू क्यूब रूट ऑफ 54, यहाँ पर इन दोनों नंबरों के फैक्टर करेंगे अलग अलग, सबसे पहले फैक्टर करेंगे 55,296, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से 55,296, तो यहाँ से इसके फैक्टर ये आए हुए हैं, इसे भी इसके फैक्टर है यहाँ तक नीचे तक, ठीक है, तो यहीं से इसके फैक्टर हम लिख लेते हैं, ठीक है, और 54 के फैक्टर यहाँ से लिखते हैं, 54 के फैक्टर यहाँ से, टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसके फैक्टर, पीछे देख लीजिए फैक्टर, यहाँ से इसके फैक्टर आ जाएंगे भाई, टू इंटू टू इंटू टू इलेवन टाइम, और थ्री टाइम थ्री, ये तो होगी इसके फैक्टर 55,296 के इंटू 54 के फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है, यहाँ जो मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ इनका एक साथ जो है क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो जब हम इनको एक साथ क्यूब रूट मानेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से देखिए एक पेयर दो तीन ग्रुप बन रहे हैं, इसका ग्रुप नहीं बनना, तो इसका ग्रुप जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ भी इनका क्यूब ग्रुप बनना है, ठीक है, तो यहाँ से वन टू, फिर यहाँ से टू, यहाँ से इंटू टू, और यहाँ से टू इंटू में आएगा ये थ्री, और इंटू थ्री, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, और सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, और फोर्टी एट थ्री जा 144, तो 144 इसका आंसर। ऐसे ही आपको डी पार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें सी पार्ट, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 13.824 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8,000। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो इससे इकट्ठा हम इस तरह से लिखेंगे क्यूब रूट
13,824 इंटू 8,000 इसे इकट्ठे से लिख लीजिए। एक बार क्यूब रूट ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 30 तो इससे पॉइंट जो है ये हट जाएगा, 30 से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ये है 1000, 8 इंटू 1000 तो 1000 से पॉइंट हट जाएगा। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 फोर जा 32 कैरी 3 और 8 16 और 3 कैरी 1 और 8 एट 64 और 165 कैरी 6 8 रिजल्ट 24 और 6 30 कैरी 3 और 8 वन जा 8 और 3 11 ये क्यूब रूट होगा 11,592। देखिए यहाँ पर हमने भी क्यूब रूट निकाला था, पीछे फैक्टर किए थे 11,592 और इसका क्यूब रूट कितना आता 48 आया था। तो ये भी क्वेश्चन भी अब यहाँ से यही क्वेश्चन है, तो इसका क्यूब रूट भी कितना आएगा, इसका क्यूब रूट भी 48 ही आएगा। ठीक है पीछे देख लेना, यहाँ पे इसके फैक्टर लिख लेना, फैक्टर लिख के इसके आंसर ये आएगा, पीछे देख करना। ठीक है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी है पीछे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थ्री में भी इनके फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। देखिए जी यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन जो रेशन नंबर है इनके जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे, एक बात और जो माइनस में जो यहाँ पर नंबर है इनके क्यूब रूट माइनस में ही आएंगे, और ये जो नंबर है रेशन नंबर इसके जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो ऊपर डिनोमिनेटर है इसके भी फैक्टर कर लेंगे और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर कर लेंगे और दोनों का क्यूब रूट इकट्ठा फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन, फिर आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये रेशन नंबर है माइनस के 2197 अपॉन 3375 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर कर लेंगे अलग अलग। तो यहाँ देखिए फैक्टर करेंगे 2197 13 से कटेगा 169 टाइम और 13 से 13 टाइम और 13 से 1 टाइम, और यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे 3375 के 3 से 3 3 से डिवाइड होगा 3 9 और 2 3 7 21 और 3 5 फिर 3 से डिवाइड होगा ये 125 टाइम, 5 से 25 टाइम, 5 से 5 टाइम और 5 से ये कटेगा 1 टाइम। यहाँ इसके फैक्टर आ जाएंगे इस तरह से, तो इसके फैक्टर को आप लिखोगे इक्वल क्यूब रूट ऑफ माइनस में है तो माइनस का साइन को कैसे लाओगे आप, माइनस के साइन को यहाँ पर माइनस बाहर रखोगे 13 × 13 × 13 अपॉन 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे ग्रुप बन रहा है 3 का, यहाँ पे भी ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप में सिर्फ एक बाहर लिखेंगे, सॉरी इसको नहीं लिखेंगे ये मार्क्स हट जाएगा, माइनस में लिखेंगे माइनस 13 अपॉन 3 × 5 तो माइनस 13 अपॉन 3 5 या 15 माइनस 13/15 इसका आंसर होगा। ठीक है ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको इसके, सिमिलरली आपको डी पार्ट भी करना है यहाँ से देखिए, और ये इस तरह से टाइप से करना है जैसे ऊपर किया, बस इनका जो मतलब क्यूब रूट है वो माइनस में आएगा। यहाँ से जब हम इनके क्यूब रूट फाइंड करेंगे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, ये पॉइंट में है, उससे पहले आपको क्या करना है इसको आपको ऐसे लिख देना है, फ्रैक्शन लिख देना है, 32,768 अपॉन 1000, 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, फिर 1000 से अपॉन लिख देंगे और फिर इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे जैसा अभी इनका किया है। ठीक है इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3375 अपॉन 1000, पॉइंट हटा देंगे और इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी 1000 डिवाइड कर देंगे और इसको भी 1000 से डिवाइड कर देंगे और दोनों का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रूफ करना है कि इनका जो क्यूब रूट है वो इसके क्यूब रूट के इक्वल है। ठीक है तो यहाँ से अभी इसका क्यूब रूट फाइंड कर दिया जैसे ऊपर फाइंड किया है,
ऐसे इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसका आएगा यहाँ से 9 और इसका आएगा यहाँ से 2 20, 9/20 आएगा और ये भी 9/20 आएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चाहे तो कर लीजिए या छोड़ दीजिए, कोई नहीं होता। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको क्वेश्चन सारे करना है।